कैसे हो सब लोग। और आज हम फिर एक बार खेलने वाले हैं पोकेमोन अल्ट्रा सन एंड अल्ट्रा मून के एडवेंचर को। और आज हम करेंगे अपना ग्रैंड ट्रायल। तो मैंने अपने पोकेमोन्स को ज्यादा तो ट्रेन किया नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से उनकी लेवल जो है वो ग्रैंड ट्रायल के लिए सही है। सो लेट्स गो इनसाइड। देख के लगता है कि तुम अपने पोकेमोन के मूव्स को काफी अच्छे से यूज कर रहे हो, क्यों है ना? हाँ मिस्टर कुकुई, मैं यही कर रहा हूँ सर। Now that you've gone and cleared your first trial, Zen, हाँ मैंने कर दिया। अब बारी है कि तुम सबसे ताकतवर ट्रेनर से लड़ो। ओके, ये सही है कि मैं ट्रेनर तो नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ कि बैटल्स किस तरह की होती है। मेले के कहुना काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है दोस्त। ये ट्रेनर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करता है। तो साइकिक या फ्लाइंग टाइप मूव्स करना एक बुरा आइडिया नहीं होगा। ओके आई गेट इट, चलो भाई। और वाह है दी ग्रैंड कहुना, नहीं कहुना हाला, जो कि हमारा ग्रैंड ट्रायल करने वाले हैं। सो लेट्स गो एंड टॉक टू हिम। कांग्रेचुलेशंस, तुमने अपना ट्रायल फेडरन केव में खत्म कर दिया, क्यों है ना? अच्छा काम किया। तो तुम यहाँ कहुना से बैटल करने आए हो? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा टूरोकैट और तुम मेरे लिए तैयार हो? ज़ेन डेफिनेटली, मतलब हम तो तैयार है। चलो ठीक है, मैं इसके लिए इंतजार कर रहा था। ऑल राइट हियर वी गो, इट्स फाइनली टाइम भाई, इट्स फाइनली टाइम। वो भाई हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे दिखाने दो तुम्हें कि यहाँ यंग एडवेंचरर्स किस तरह के आइलैंड चैलेंज पर जाते हैं। मैं हूँ हाला कहुना ऑफ मेले आइलैंड। ओके चलेगा भाई। तो क्या हम शुरू करें? हाँ जरूर, लेट्स डू इट। द फाइनल ट्रायल हियर ऑन मेले आइलैंड्स विल बी अ पोकेमॉन बैटल अगेंस्ट मी द कहुना। ऐसे कहते हैं दी ग्रैंड ट्रायल। वेल देन ओके भाई, तुम्हें टापू कोको ने स्पार्कलिंग स्टोन दिया था, क्यों है ना? अब मुझे बताओ कि तुम और टोरो कैट अपनी पूरी शक्ति को किस तरह से यूज करोगे। All right. Old Hala यहाँ पर अपनी पूरी ताकत दिखाएगा। Okay, here we go. हमारा ग्रैंड ट्रायल फाइनली हो रहा है। मुझे लगा कि ये जो हाला है वो डायलॉग पर डायलॉग ही मारेंगे, बट नहीं, फाइनली ग्रैंड ट्रायल जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है। Okay, इसने मचॉप को चुना है, तो लेट्स गो विद टोरो कैट। Okay, here we go. मचॉप 15 का है, हम लेवल 20 के हैं, तो आई गेस एक फायर फैंग विल बी इनफ, मतलब ज़्यादा डैमेज तो हम इसको कर पाएंगे। ओके ये भी गो, और ओके ऑलमोस्ट मर गया था। रिवेंज बहुत जोर का लगने वाला है। बच गए। ओके पर मैंने सिट्रस बेरी चढ़ा कर रखी थी, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, तो इसी वजह से सिट्रस बेरी है हम पर। ओके लेट्स गो फॉर अनदर फैंग। और यहाँ पर सुपर पोर्शन का इस्तेमाल हो रहा है। हाला यहाँ पर चीटिंग नहीं कर रहे, मैं चीटिंग तो कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अभी सिट्रस बेरी चढ़ा कर रखी थी। बट लेट्स गो, इसके बाद भी शायद अपनी ही टर्न होगी, लेट्स गो देखते हैं। हाँ हमारी टर्न है, एंड दी मचॉप इज गॉन। नाइस, बढ़िया। ओके हमने मचॉप को यहाँ पर हरा दिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ट्रम्बैक लेवल 16 का हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्लग सीख रहा है, सो लेट्स फॉरगेट पैक। पैक की जगह प्लग सिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार मारेगा वो। ओके यू वी गो, अब ये भेजने वाला है मांकू ईटा के लिए मैं पोकेमॉन चेंज नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल से टोरो कैट जितना डैमेज करेगा उतना ठीक ही है, उसके बाद हम सेकंड पोकेमॉन को चुनेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को ज़्यादा डैमेज हो जाए फिर टोरो कैट को मैं चुनूँ। देखते हैं, फेक आउट से हम फ्लिंच तो हो जाएंगे, बट इट्स नॉट गोइंग टू डू अ लॉट। हमारी टर्न आ गई, सो लेट्स गो फॉर दी फायर फैंग। ये करेगा जोरदार मूव। ओके दैट डिडंट डू अ लॉट, मुझे लगा जोरदार मारेगा यार, इसने कुछ किया नहीं। साइड अटैक हमारी एक्यूरेसी को कम करेगी, बट लेट्स गो फॉर अनदर फायर फैंग। चलो भाई चलो, मार। बच गया, शिट मैन। ओके साइड अटैक ने एक्यूरेसी को फिर एक बार दोबारा घिरा दिया। लेट्स गो फॉर अनदर फायर फैंग भाई, मार दे, एंड हमने मार दिया। अच्छी बात है, नाइस, सही है यार। और ग्रबिन लेवल 16 का हो चुका है, तो एक अच्छी बात है कि हमारे पोकेमॉन्स भी लेवल अप हो रहे हैं। और ग्रबिन को स्पार्क सीखना है, तो मैं स्टिंग शॉट को डिलीट कर दूं क्या? हाँ चलो स्टिंग शॉट को डिलीट कर देता हूँ, मैं यूज़ नहीं करता उस मूव को। मैंने ग्रबिन को भी ज़्यादा यूज़ करा नहीं है, तो वो एक बात है। क्रॉप रोलर एक वाटर टाइप है कि सिर्फ फाइटिंग टाइप है? आई गेस वो वाटर फाइटिंग है ना, आई डोंट रियली नो, मतलब पता नहीं यार, दिखने में तो वाटर और फाइटिंग दिख रहा है ये।
ओके लेट्स गो फॉर द फायर फैंग, आई गेस ज्यादा डैमेज नहीं करने वाला। ओके दैट डिड अ लॉट। अच्छा ये प्योर फायर फाइटिंग टाइप है क्या? ओके ओके मेक सेंस। ओके ऑल आउट क्यों में लेंगे, अपने जी मूव को इस्तेमाल कर रहे हैं एंड मैंने किसी पोकेमॉन को जी क्रिस्टल दिया नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली हम कोई जी मूव इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जो कि काफ़ी बुरी बात है। और टोरोकैट यहाँ पर मर चुका है पर उसने अच्छा किया, यानी कि जो काम टोरोकैट का था उसने कर दिया, दो पोकेमॉन्स को हराया और क्रॉप ब्रॉलर को भी बहुत अच्छा डैमेज कर दिया। सो नो वरीज, अभी सब कुछ ट्रम्पिक के ऊपर है, यानी कि लेवल 16 है दोनों की। सो लेट्स गो विद द प्लग, हमारी स्पीड ज़्यादा है एंड ओ बच गया यार, बच गया। चलो इसने लीर कर दिया, लीर करने से हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बस कहूँ ना हाला यहाँ पर सुपर पोर्शन ना यूज़ कर दे एंड हम जीत गए भाई, जीत गए। ये वी गो, सो दैट वॉज एन ऑल राइट बैटल, यानी कि मज़ेदार बैटल थी वही है और हमने कहुना हाला को हराकर अपना पहला ग्रैंड ट्रायल कंप्लीट कर दिया मेले मेले आइलैंड का, जो कि काफ़ी कमाल की बात है, यानी कि फाइनली ये ख़त्म हो गया है यार। मैं सोच रहा था कब ख़त्म होगा पर एपिसोड नंबर 8 में ये ख़त्म हो गया, सो दैट्स नाइस। तुम कितने बहादुर ट्रेनर हो और कितने अच्छे पोकेमॉन भी है तुम्हारे। टापू कोको 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 कोको। ओके टापू कोको ने हमें ये कर दिया। हाँ टापू कोको भी इस बात से अग्री करता है। मेरे ख्याल से टापू कोको उम्मीद कर रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे और उससे भी बैटल करोगे। ओके दैट डे विल कम वेरी सून, मैं टापू कोको को प्रोबेबली पकड़ लूंगा। ये जी क्रिस्टल ले लो, ये ट्रेनर्स को अपनी ताकत पोकेमॉन के साथ पाटने में हेल्प करती है। ओके हमको शायद से फाइटिंग टाइप जी क्रिस्टल मिल चुका है। ऑल राइट पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई फाइटिंग टाइप पोकेमॉन ही नहीं है, वो अलग बात है। टोरोकैट जब इवॉल्व होके इंसिनेरोर बन जाएगा तब वो फायर और डार्क टाइप बन जाएगा, तो वो भले ही फाइटिंग टाइप मूव कर पाएगा पर फाइटिंग टाइप का नहीं है वो, तो दैट्स काइंड ऑफ सैड। बट लेट्स सी कभी ना कभी कोई ना कोई यूज़ कर ही लेगा फाइटेनियम जी। ओके ये भी गो। देखो सन ऐसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं, यह फाइटिंग टाइप जी मूव। ओके हा 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 1 2 3 बूम। ओके दैट लुक्स गुड, दैट एक्चुअली लुक्स गुड। अब जन इस जीत के साथ तुमने मेले मेले आइलैंड के पूरे ट्रायल को खत्म कर दिया, मेले मेले का स्टैंप ऑफ प्रूफ तुम्हारे इस अकम्पलिशमेंट को पूरा कर देगा। इससे लेवल 35 तक के पोकेमॉन और जो तुम्हें ट्रेड में मिले वो तुम्हारी बात सुनेंगे। ओके दैट इज एक्चुअली गुड, लेवल 35, तो हमारी पोकेमॉन्स अभी लेवल 20 के ही है तो हम और 15 लेवल तक उनको बढ़ा सकते हैं, सो दैट्स रियली नाइस। पर मेले मेले के बाद अकाला आइलैंड्स है क्या? आई डोंट नो कि उला उला आइलैंड्स है, आई रियली डोंट नो, तो देखते हैं। ओ टॉरस, अरे हाँ मुझे टॉरस की सवारी कब मिलने वाली है यार ये भी बता दो। ओके फाइनली शायद से लगता है मेरे पास एक आइडिया है। ओके क्या आइडिया है आपके पास? क्यों ना तुम टॉरस पर सवारी करो जब तुम चाहो। अरे बहुत काम का होगा यार। तुम्हें ये एंजॉय करना चाहिए, तुम आइलैंड चैलेंजर जो हो। ओके मैं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखूंगा। ओके यह तो हमें कुछ राइडर पेजर मिला है। ओके तो राइडर पेजर से हम टॉरस की सवारी कभी भी कर पाएंगे, सो दैट्स एक्चुअली गुड, क्योंकि अलोला में ना एरिया बहुत बड़ा है तो कवर करने के लिए अगर टॉरस है तुम्हारे पास सो दैट्स रियली हेल्पफुल, मतलब मज़ा आ जाएगा। और हम देखो टॉरस पर बैठकर कितना स्मार्ट लग रहे हैं। ओके हियर वी गो, द वर्ल्ड्स अ बिट डिफरेंट ब्ला 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 ब्ला। हे जेन अब तुम अलोला में और भी मजे कर पाओगे। चुप रे हाओ, चुप चुप। ए हाओ एक तो बहुत फालतू की बात करता है, नाचता देखो कैसे। ओके चलो तो हम राइडर पेजर से ये कर सकते हैं, सो लेट्स गो अहेड। कॉन्ग्रेचुलेशंस जेन, तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मैंने सुना है कि तुमने बिना जी पावर के ही इस ट्रायल को जीत लिया। ओके दे आर एक्चुअली डूइंग दिस, यानी कि मुझे लगा कि मैं जी मूव करूँ या ना करूँ पर कोई उसके बारे में बात ही नहीं करने वाला, बट मैंने जी मूव यूज़ नहीं किया और ये लोग उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब वो लोग ये कर रहे हैं, सो दैट्स रियली गुड यार, मतलब ये अच्छी डिटेल है, मतलब वो लोग यू नो अक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात को कि मैंने एक्चुअली जी मूव यूज़ नहीं किया और फिर भी मैं जीत गया, सो दैट्स एक्चुअली नाइस। यानी कि ये छोटी छोटी डिटेल्स ही मतलब गेम को और भी बेहतर बनाती है, वरना कुछ कुछ गेम्स में होता है तुम करो ना करो फिर भी वो सेम ही डायलॉग मारेगा कि हाँ तुम जीत गए कॉन्ग्रेचुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर इसमें मैंने जी मूव नहीं किया और इस बात को उसने अक्नॉलेज किया, भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया।
और हमें फॉल स्वाइप की टीएम मिल चुकी है, जो कि अच्छी बात है, यानी कि वाइल्ड पोकेमॉन्स पकड़ने में काफ़ी मज़ा आ जाएगा अपने को। फॉल स्वाइप इज अ मूव जिससे 1 HP तक पोकेमॉन को ला सकते हैं हम लोग, दो दैट्स नाइस, आई रियली नो दैट। चलो भाई, इफ यू हेडिंग टू हाउरी यू शुड टोटली चेक आउट शॉपिंग मॉल। नहीं यार, ये लोग अभी फालतू की बातें कर रहे हैं, यानी कि मैं फ़ोटो क्यों खिंचाऊंगा, मतलब क्या ज़रूरत है, मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना जो भी हो रहा है, तो मैं फ़ोटो क्यों खिंचाऊँ, आई डोंट नो। बट अभी मुझे एक नया पोकेमॉन पकड़ना तो है, क्योंकि हमें टॉरस मिल चुका है। इसका ये मतलब है एक नया एरिया है जहाँ पर मैं जाना चाहता था और उसकी एक्सेस मुझे पहले नहीं मिल रही थी, बट अब मैं वहाँ पर जा सकता हूँ और एक नए मेंबर को अपने पार्टी में ऐड कर सकता हूँ। सो दैट्स रियली नाइस। सो देखते हैं क्या होगा। ओके, लिली और प्रोफेसर की बातें यहाँ पर चल रही है। ओके, एवरीवन इज गॉन होम, तो हम भी जाएंगे भाई टॉरस पर बैठकर, मजा आ गया यार। अरे कितना कूल दिख रहा है यार ये। ओके, ये भी गो। चलो भाई, चलो भाई, चलो शहर के यार बार, तुम जानो मैं जानो मैं ना मानो हार। ओके 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 टॉरस भाई, अरे 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 कितना कूल लग रहा है यार, मतलब ये कंट्रोल करने में ना बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली। पर मैं भूल गया कि एग्जिट कहाँ से है, मैं एक्चुअली भूल गया। ओके, शायद से यहाँ से है। ओके, यो वी गो। तो अब हम जाएंगे एक नया पोकेमॉन पकड़ने के लिए। तो मैं तुमको कह रहा था एक नया एरिया जो है वो खुलने वाला है, तो एक एरिया तो ये है जहाँ पर हम जा सकते हैं, एंड यहाँ पर फालतू पोकेमॉन्स आ रहे थे, पर ये है प्रोफेसर कुकुई के पीछे का रास्ता, मतलब उसका जो घर है उसके पीछे एक रास्ता है जो मुझे पता था कि हम एक्सेस कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें टॉरस की ज़रूरत है। और फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें ये मिलने वाला है शायद से रॉकरफ, तो देखते हैं। और हमें रॉकरफ नहीं मिला। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चलेगा चलेगा भाई स्पिंडा। और हमें मिल गया है रॉकरफ, नहीं मिला नहीं मिला। ओके, नो प्रॉब्लम। और हमें रॉकरफ नहीं मिला। अरे यार क्या हो रहा है, रॉकरफ नहीं मिला। अबे यार, पांच पांच टर्न्स हो चुके हैं भाई। रॉकरफ 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 नहीं मिला। कम ऑन मैन, रॉकरफ। चलो चलो, इस बार तो मिल जाएगा। नहीं मिला। कम ऑन भाई, रॉकरफ आ जा, रॉकरफ आ जा, रॉकरफ आ जा, रॉकरफ 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 नहीं मिला। भाई क्या हो रहा है यार, ये 10 times मैंने ट्राई किया, रॉकरफ यहाँ पर मिलता है या नहीं यार। कम ऑन, दिस इज़ सो बैड, दिस इज़ एक्चुअली बैड भाई। मतलब क्या हो रहा है, रॉकरफ क्यों नहीं आ रहा मेरे सामने भाई, दिस इज़ सो बैड भाई। रॉकरफ आ जा यार, आ जा, कितना टाइम हो गया, आ रहा ही नहीं है भाई, आ रहा ही नहीं है यार। फाइनली फाइनली रॉकरफ आ गया भाई 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 भाई, भाई। हाँ ओके ओके, मैं इसको मारना नहीं चाहता, एकदम फालतू अटैक करते हैं, स्क्रैच करते हैं, इसको डैमेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओ भाई, स्क्रैच भी ज़ोरदार डैमेज कर रहा है। ठीक है, हाउल कर हाउल कर, अच्छी बात है, एक अच्छी बात है। रॉकरफ के पास टेलीपोर्ट या फिर रोर जैसे मूव्स नहीं हैं, नहीं तो भाई मैं यहाँ पर रो देता, क्योंकि मैं 15-20 बार यहाँ पर चक्कर लगा चुका हूँ और 15-20 बार से मुझे कार्बिंक या तो स्पिंडा या तो मचॉप मिलते जा रहे हैं, पर फाइनली रॉकरफ आ गया, और अगर वो आते आते ही टेलीपोर्ट कर देता तो ऐसी इतना दर्द होता ना मुझे सच में। और इस गेम में तुम सेव भी नहीं कर सकते पोकेमॉन जब आएगा उस टाइम पर, सो दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट। और फाइनली हम शायद से रॉकरफ को पकड़ने वाले, एक ही बॉल में आ जा भाई, एंड पकड़ लिया, नाइस नाइस। तो हमारी पार्टी में एक और नया बंदा शामिल हो चुका है जो है रॉकरफ, जो कि अच्छी बात है। मतलब मैं रॉकरफ तो चाहता था, बट ये कोई डस्क फॉर्म में तो नहीं होगा, मिड डे या मिड नाइट फॉर्म में ही इन्वॉल्व होने वाला, सो आई डोंट केयर, देखते हैं यार। कम से कम रॉकरफ तो मिल गया। तो गाइज, आज के एपिसोड को यहीं पर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब आज ही ग्रैंड ट्रायल हो गया है और बाकी एपिसोड्स के लिए भी कुछ ना कुछ तो बचाना है हमें। तो आज के एपिसोड को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम और भी गेम्स खेलने वाले हैं। तब तक के लिए बस बाय टाटा, नमस्ते, सलाम एंड की वॉचिंग ज़ेन डाइनो वाई। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बस बाय यार, बाय बाय।